ईएस नंबर, फर्स्ट और सेकंड डिजिट, ये सेकंड डिजिट है, ये सेकंड है, ये है और ये है। और मजे की बात ये है, इन सेकंड सेकंड डिजिट में कोई भी हाईएस्ट नहीं है किसी भी नंबर की। तो इसका मतलब थर्ड हाईएस्ट ढूंढ लो या थर्ड लोएस्ट, लोएस्ट वाला तो 3 से स्टार्ट होने वाला ही होगा, सेकंड लोएस्ट 4 के बाद 6, 6 हो जाएगा ये, और यहां 4 के बाद, सॉरी ये नहीं, ये यहां 4 के बाद 6 5 हो जाएगा, 4 6 5, गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ सही है। तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, यही था आंसर पहला वाला। फिर से सुनो क्या कहा गया है, पहला वाला ही तो आंसर था, पहले ही टिक किया था मैंने भी। 3 घटाना है हाईएस्ट डिजिट में से, क्यों घटा रहे हो? फर्स्ट और सेकंड बदलना भी तो है, तो थर्ड हाईएस्ट बताना है। ये सेकंड वाला तो 3 ही है, सबसे बड़ा तो 8 है, घटेगा तो इसमें से। ये 4 है, घटेगा इसमें से। ये 8 है, घटेगा इसमें से। ये 6 घटेगा इसमें से। ये 4 घटेगा इसमें से। अब पहली वाले डिजिट को बदलोगे तो सबसे छोटा तो यही मिलेगा ना, फर्स्ट, सेकंड 4, ये 6 का 6 ही रहेगा और ये 5 हो जाएगा। यहां 4 6 और 6, तो ये सेकंड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट मान लो थर्ड हाईएस्ट, बात सेम ही है, क्लियर है? पहले और छठे का पेयर 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे और पांचवे का, एंड सो ऑन, चलते रहो कब तक, 25 से 30 तक, सही है? ऐसे चलता रहेगा। तो मतलब 6 6 का पेयर है, 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24 फिर 30, लेफ्ट साइड से 19 बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 इनको अलग खेलने दो, 1 2 3 4 5 6 इनको भी अलग खेलने दो, 1 2 3 4 5 6 इनको भी अलग खेलने दो। शुरू के 18 घूमते रहे आपस में, हमें क्या लेना देना, इनको घूमने दो ना, हमें तो कुछ करना ही नहीं, घूमे या ना घूमे, हमें तो 19वें से मतलब है, 1 2 3 4 5 6, हमारा 19वां ये नहीं, इससे बदल जाएगा तो ई हो जाएगा, खत्म। हमें मतलब नहीं है सबसे, शुरुआत के 6 हटो, फिर 6 हटो, फिर 6 हटो, 18 गए, 19वां कह रहा था, तो 19वां 24 से बदलेगा, 24वां है हमारा, 28 बदल दो, दूसरे 27 को बदल दो, बदलते रहो जब तक रात ना हो जाए। 13 फ्रॉम द राइट एंड, यहाँ लेफ्ट, ये लेफ्ट था तो राइट कर लो, ये राइट है तो लेफ्ट कर लो, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से 13, ये ना राइट साइड, इधर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, खत्म हो गया, खत्म। अधिक जानकारी के लिए डेली बैंकर्स पेपर 8 बजे वाली क्लास देखें, 45 आवर क्रैश कोर्स, 15 क्लास हो चुकी हैं, तो 3 वर्ड, ये वर्ड है ना पूरा, वर्ड को अरेंज कर दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो फोर्थ फ्रॉम राइट, भाई फोर्थ फ्रॉम द राइट का मतलब है सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। सबका पहला पहला लेटर देखो, ओ वी एन एक्स एस, तो सबसे पहले ये आएगा, सेकेंड नंबर पर ये आएगा, काम खत्म हो जाएगा। वर्ड को ही तो डिक्शनरी में लगा रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में।